अस्सलाम वालेकुम, आई मुजाहिद मलिक और आप देख रहे हैं मलिक मूवी स्टूडियो। मलिक मूवी स्टूडियो की जानिब से आज मैं आप फ्रेंड के लिए एक न्यू ट्रिक लेकर आया हूँ। तो वो ट्रिक ये है कि हम अपनी जो वीडियो हैं, हम प्रीमियर में, एडियस में, कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, हम उसमें एक्सपोर्ट करके सेव करते हैं, तो हम देखते हैं हमारी वीडियो तो सेव हो जाती है बट उसकी MB बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि 10 मिनट की वीडियो हो या 5 मिनट की वीडियो हो, उसकी MB हमारे पास 500 MB, 1 GB, 2 GB के दरमियान होती है। तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्ट करने का तरीका, यानी कि हम अगर किसी और सॉफ्टवेयर में उसे हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। उसके आइए, मैंने दो वीडियो एक्सपोर्ट की है, सेम वीडियो मैंने एक्सपोर्ट की दोनों में, प्रीमियर में भी की, ये देखें, और ये मैंने वीडियोस में की। हम इसका साइज़ देख लेते हैं कि इनका साइज़ कितना है। तो आइए मैं सबसे पहले वीडियोस की वीडियो को क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये हमारी 9 मिनट 4 सेकंड की वीडियो है, तो इसकी साइज़ कितना है आप देख सकते हैं, 2.38 GB की ये फाइल हमारी बनी है, जो के फ्रेम रेट 29 है। ये सेम वीडियो मैंने प्रीमियर में कन्वर्ट की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से, ये देखें, इसका भी वही टाइम है। इसकी MB देख लें आप, 236 MB फ्रेम रेट। इसका मैंने फ्रेम रेट थोड़ा सा कम कर दिया। हमें तो HD वीडियो क्रिएट करनी होती है, यानी कि 29 से ऊपर फ्रेम रेट हमारे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2 GB की फाइल क्रिएट हो जाती है, तो हमें उसे कहीं ऐड करना या कॉपी करना बहुत ही दुश्वारी हो जाती है। तो आइए हम सबसे पहले जो कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो वो हमारा सॉफ्टवेयर ये है, WinAVI कन्वर्टर। हम इसको रॉ फाइल में होगा, हमें इसे ओपन करना है। ये देखें, हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल तो ईजी है, तो ये देखें हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। हमें रन को मैं अनचेक करता हूँ, मैं इसे फिनिश करता हूँ। अब हम इसका ये सीरियल कॉपी कर लेंगे, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, अब इसे भी क्लोज कर देता हूँ। और ये है हमारा वो WinAVI कन्वर्टर, हम इसको ओपन करते हैं। ये देख, तो ये देखें, मैंने इसको रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने का तरीका मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता, वो ईजी ही है। जैसे ही ये ओपन होगा, इसके आगे एक पेज आएगा, उस पर नेम और रजिस्टर सीरियल ऐड करना होता है, और ओके कर देंगे तो ये हमारा रजिस्टर हो जाएगा। अगर हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो के दरमियान में या साइड बार इसी का नेम आएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है WinAVI कन्वर्टर। तो आइए फ्रेंड, हम इसको सबसे पहले प्रीमियर की वीडियो में हम ड्रा करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, ये मैं प्रीमियर की वीडियो को यहाँ ड्रॉप करता हूँ, हमारे पास इस तरह से पेज आएगा। आपने चेक कर लेना है कि आप कौन सी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये देखें, MPEG, ये DVD, VCD, रिसेंटली यूज, मैं तो ज़्यादा AVI फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही बेस्ट होता है AVI फॉर्मेट। मैं इसे ओके प्रेस करता हूँ। ये देखें, तो हमारे पास इस तरह से ये आएगा, ये नीचे हमारे पास स्टार्ट का बटन होगा, हमें यहीं क्लिक करना है, तो ये हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये बहुत ही फास्ट है WinAVI कन्वर्टर। इसमें जितनी भी बड़ी फाइल होती है, ये बहुत कम टाइम लेता है उनको कन्वर्ट करने में। तो ये देखें, ये हमारे पास वीडियो चल रही है। जैसे कि हमारे पास कुछ इंडोर मूवी होती है या आउटडोर मूवी होती है, तो हम ये हमारे पास जो ये छोटी सी LCD शो हो रही है, तो हम इसको भी क्लोज कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास इनेबल प्रीव्यू का ऑप्शन है, हम इसी पर अनचेक करेंगे, तो ये देखें हमारे पास LCD गायब हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो।
तो फ्रेंड ये देखिए हमारी कन्वर्ट होने वाली है, ये हमारी कन्वर्ट हो चुकी है वो वीडियो। तो आइए हम वो वीडियो देखते हैं। तो हमें वो वीडियो कैसे देखनी है, ये देखिए हमारे पास नीचे ये जो डन का बटन नज़र आ रहा है, इसके बराबर में हमें ओपन बहुत पावर डायरेक्टरी का ऑप्शन होगा, हमें यहीं क्लिक करना है तो वो हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। नहीं तो हमें ये हमारी वीडियो जो हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो हमारे पास ये वीडियो का ऑप्शन है, हम यहीं क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियो शो हो जाए। तो ये देखें फ्रेंड, मैं आपको दिखा दूं कि इसने हमारी कितना MB को कंप्रेस किया है। ये देखें ये सेम वही पिक्सल है और इसका ये देखें हमारे पास 87 MB की इसने हमारी ये वीडियो क्रिएट की। हालांकि जो कि हमने प्रीमियर में एक्सपोर्ट की थी वो 236 की है। तो ये हमने प्रीमियर का देख लिया, अब हम वीडियोस को देखते हैं कि हमारी वीडियोस की वीडियो कैसे होती है। तो हमें वही सेम तरीका इसमें करना है, वीडियो को यहाँ ड्रैग करना है। ये देखें अब हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करता हूँ। तो फ्रेंड ये देखें इसने हमारी वीडियोस की वीडियो भी कन्वर्ट कर ली है। हम डन पर क्लिक करते हैं, हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो आइए हम वो वीडियो भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा वीडियो जहाँ पर इसने हमारी ये वीडियो कन्वर्ट की है, हमने वो फोल्डर ओपन कर लिया है। तो ये देखें ये हमारी वीडियोस की है, 2.38 GB की फाइल है हमारी। ये देखें हमने ये जो क्रिएट की है ये हमारी कितनी है, 114 MB की। तो आप देख सकते हैं, आपको वादे नज़र आ रहा होगा कि हमारी वीडियो का साइज कितना कम हो गया है। मैं आपको ये दोनों प्ले करके दिखाता हूँ, तब भी आप समझेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी वीडियो में क्या मसला है। जैसे कि अक्सर फ्रेंड बताते हैं तो उनमें ये बहुत ही पिक्सल का मसला होता है। तो फ्रेंड मैं प्रीमियर की वीडियो जो कि हमने प्रीमियर में एडिटिंग की है, मैं उसको प्ले करता हूँ। ये देखें फ्रेंड, ये हमारे प्रीमियर की वीडियो है और ये जो कि हमने अभी क्रिएट की है, मैं ये इसमें सेट करता हूँ। ये देखें फ्रेंड, आपको वादे नज़र आ रहा होगा कि हमारी पिक्सल में कोई भी फर्क नहीं आया। सॉफ्टवेयर की लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप डाउनलोड कर लें, आपको बहुत ही इजी है। किसी भी सेटिंग को छेड़े बगैर जो भी उसका साइज होगा ये डिफ़ॉल्ट साइज में कन्वर्ट कर देता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मैंने कोई गलती की है तो वो मुझे बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब्लैक मूवी स्टूडियो।